हेलो पुलिस स्टेशन जी, मैं अपर्णा दास गुप्ता बात कर रही हूँ। मेरे पति आलोक दास गुप्ता की अभी अभी मौत हुई है। इनफैक्ट मैंने ही उन्हें मारा है। आप एड्रेस नोट कर लीजिए, 76 गुलमहर रोड जू। मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहती हूँ। इस तरह क्या देख रही हो मुझे? पहले कभी देखा नहीं है क्या? तुम इस शर्ट में बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा, तुम्हें पता है ये शर्ट तुम लाई थी? इसीलिए तो। आलो, तुम जल्दी करो वरना एज यूजुअल हम फिल्म की बिगनिंग मिस करेंगे। एक, चलो जल्दी। एक मिनट, मेरा वॉलेट तो लेने दो। हाँ, हाँ, चलो। चलो, चलो, अरे एक एक मिनट, ये क्या क्या है? ये लिफाफा कैसा है? कैसा लिफाफा? ये कौन देखे गया? तुम नहीं रखा होगा और भूल गए होगे। नहीं, ये भूषण और रानी का बैग तुमने मुझे बताया नहीं? भूषण और रानी? हाँ। नहीं तो चिट्ठी कौन देखे गया? एक 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 मिनट, आलो, एक सेकेंड। हेलो भूषण साहब, है कब आएंगे? अच्छा ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूं। एक सेकंड, एक सेकंड प्लीज आए प्लीज। हेलो रोनी है, कब आएगा? ओके ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। क्या हुआ, कोई परेशानी है? नहीं, दरअसल बात यह है कि ये मुझे जाना पड़ेगा। हाँ, हम जा रहे हैं फिल्म देखने। हाँ हाँ, जाएंगे। एक काम करते हैं अपना, प्लीज प्लीज इफ यू डोंट माइंड, रात का शो देखने जाएंगे। और अच्छा हाँ, यही ड्रेस पहनना, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। मैं जाकर आता हूँ प्लीज। हाँ, मगर तुम कहाँ जा रहे हो? मैं नेशनल पार्क जाके आता हूँ। अभी क्या? अभी आया? हाँ? बैटरी को भी अभी मरना था। क्या नाटक लगा रखा है इन दोनों ने पता नहीं। कितनी बार कहा है इस जगह पर नहीं मिलेंगे। हेलो भूषण। हाँ आलोक बोल। अरे कहाँ हो तुम लोग यार? कहाँ मतलब, तूने फोन घर पे किया? घर पे ही हूँ। तू मुझे यहाँ जंगल में क्यों बुला रखा है? जंगल में? अरे कमाल करते हो यार, तुम दोनों ने चिट्ठी लिखकर भेजी थी ना मेरे घर पे कि 4 बजे यहाँ नेशनल पार्क में मिलते हैं। आलोक, मैंने कोई चिट्ठी नहीं भेजी थी, मैं अभी रोनी से मिलकर वापस आ रहा हूँ घर पे। अरे तुम्हारे हाथों से लिखी हुई चिट्ठी है मेरे पास। क्या? तुम दोनों के नाम है यहाँ पर। कमाल, मैसेज कहाँ गया? हेलो आलोक, हेलो हेलो आलोक, हेलो
हेलो भूषण, हेलो हेलो हेलो, के कहां जाओगे आलोक? तुम बच नहीं सकते, तुम बच नहीं सकते आलोक। तुम भाग के कहां जाओगे आलोक? तुम बच नहीं सकते आलोक, तुम बच नहीं सकते। आलोक बस करो, आलोक कितना पियोगे? अरे नंदिनी, मौसम देख मौसम। अरे यार, इस मौसम में नहीं पियेंगे तो फिर कब पियेंगे? तुम दोनों चुप रहो। अगर मुझे पता होता ना पिकनिक पे पीने का प्रोग्राम बनने वाला है तो मैं कभी नहीं आती। नाराज मत हो नंदिनी, दिस इज द फन मैन। फन तक तो ठीक है आलोक, लेकिन शादी के बाद ये सब नहीं चलेगा। मैं अभी से कह देती हूँ। ये देखो, अभी से हुकुम चलाना शुरू कर दिया। ऑफ कोर्स, हक है मेरा, पूरी दुनिया को ठुकरा के प्यार किया है तुमसे। ये लो, कर लो बात। ये वही नंदिनी है जिसने आलोक को भर बाजार थप्पड़ मारा। यस भूषण, तब बात अलग थी, तब मैं आलोक को जानती नहीं थी ना। अब भी कहाँ जानती हो तुम मुझे? क्या मतलब? मतलब ये नंदिनी कि आलोक तुमसे शादी वादी करने वाला नहीं है। भूषण, तुमने कुछ ज्यादा ही पी रखी है। एक मिनट जल्दी, तुम्हें विश्वास नहीं आता ना तो आलोक से पूछ लो। आलोक वाह, आलोक ये दोनों क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास नहीं कर रहे हैं, सच कह रहे हैं। आलोक, मैं बहुत दूर था ना सूची पर, इसलिए हमने सोचा कि तुम्हारा गुरु तोड़ दिया जाए। और तुमने मुझे भरे बाजार में थप्पड़ मारा था, फिर भी मैंने तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश जारी रखी और मैं कामयाब हो। आलोक, आलोक तुम मजाक कर रहे हो ना? आलोक, मजाक तो मैंने तब किया था तुम्हारे साथ जब मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हारी शादी करूंगा। नहीं तो तुम खंडाला नहीं आते ना। आलोक, दूसरी बार। दूसरी बार। ए नंदिनी, मेरी शादी तय हो चुकी है ना, मैं नहीं कर सकता तुम्हारे साथ शादी। सर तुम्हारी कर हाँ, मैंने प्लान किया है, आज है ना रानी का बर्थडे, तो मैंने क्या सोचा, उसे फर्स्ट क्लास गिफ्ट देके उसे एकदम एंजॉय करवाया जाए। Happy birthday to you. Happy birthday to you.
भूषण चल भाग चलते हैं। नहीं आलोक चल, नहीं जा सकते, इसे छोड़ के नहीं जा सकते यार, मेरे को बहुत डर लग रहा है। चलो यार इसे पार करते हैं। क्यों नींद नहीं आ रही है? सारा बोलता है मैं शराब छोड़ दिया करके। शराब छोड़ दिया? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मैं पूरे होश हवास में था। ए आलोक देख, कुछ दिनों से तू बहुत काम कर रहा है, तुझे आराम की जरूरत है। भूषण मेरी बात कर, तू एक काम कर, तू देवलाली जा, मैं बंगला साफ करवा देता हूँ, जा। अरे यार तुम लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो यार? क्योंकि नंदिनी मर चुकी है, उसकी लाश का अंतिम संस्कार हम तीनों ने किया था, याद है? भूषण भाई यार 50,000 रुपए दिए थे तूने उसकी माँ को गिनकर, तूने अपने हाथों से दिए थे यार, कमाल करता है तू भी। हाँ अब तुझे उसकी याद सताने लगी है तो वी आर हेल्पलेस। बिल्कुल सही कहा साला, 4 महीने दिन रात नंदिनी नंदिनी नंदिनी। सच्ची कह रहा हूँ, तेरी किस्मत में बड़ी जान होती है यार। स्टॉप इट। ए हेलो, तू कहीं सचमुच नंदिनी से प्यार तो नहीं करने लगा था? अबे छोड़ यार साला, बेकार में ड्रामा करता है साला। हेलो 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 आलोक, क्या हुआ? आलोक आलोक क्या हुआ? आलोक ना यार, आलोक यार तू ऐसे क्यों डर रहा है यार, तू ऐसा मत कर यार। यार आलोक ने मुझसे नहीं, मैंने आलोक से किया था, वो जितना प्यार किया था उससे कहीं ज्यादा नफरत करती हूं उससे, उससे और तुम दोनों से। 3 दिन बाद तुम्हारा बर्थडे है रॉनी, तुम्हारा बर्थडे और मेरी बरसी। 3 दिन सिर्फ
तीन दिन है तुम्हारे पास, आज कल और परसों, कीमत चुकाओगे तुम तीनों एक के बाद एक। भाग लो जितना भाग सकते हो, भाग लो। देखते हैं किसकी जीत होती है। आलोक, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम लोग इस तरह क्यों देख रहे हो? आलोक, नंदिनी आई थी। आलोक, नंदिनी, मुझे बचा लो, मुझे कहीं पर छुपा दो, मुझे वो मार डालेगी अपर्णा। आलोक, तुम किसकी बात कर रहे हो? मैंने उसके साथ धोखा किया है, मैंने तुम्हारे साथ भी धोखा किया है अपर्णा। मुझे बचा लो, मुझे कहीं पर छुपा दो ना प्लीज, मुझे बचाओ। आलोक, वो देखो तुम्हारे पीछे खड़ी है वो, उसे कोई ऐसे चली जाए वो। कहाँ? तो कोई भी नहीं है। बात कर रही है वो, देखो तुम्हारे पीछे खड़ी है, चले जाओ यहाँ से। आलोक, मुझे डर लग रहा है। नहीं नहीं, वो देखो मेरे पास आ रही। आलोक, तुम मुझे डरा रहे हो। नहीं, वो देखो उसे कहो यहाँ से चली जाए, चले जाओ यहाँ से। आलोक, मेरे करीब मत आओ, मत आओ मेरे करीब। आलोक, 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 तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, क्या हुआ है मुझे? नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो ना? तुम मुझे घबराई हो क्यों? मुझे कुछ नहीं हुआ। जाओ तुम सो जाओ। नहीं नहीं, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है। जाओ यहाँ से, जाओ।
नहीं नहीं ये छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं, तुम घर जाओ। साहब खाली पोता ही बाकी है। मैंने कहा ना तुम घर जाओ, छोड़ दो इसे, मैं रख दूंगा। शांता तुम गई नहीं अभी तक? भूषण मैंने कहा था ना आज। नहीं नंदिनी मुझे माफ कर दो नंदिनी। यार आलोक दो ही दिन बचे हैं यार, साला ये जन्मदिन हर साल क्यों आता है यार? अरे आप लोग आ गए, मैं आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं तुम जाके आराम करो। कल तक तो सब कुछ ठीक ठाक था यार, परसों सारी रात बैठे इकट्ठे शराब पी रहे थे यार, साला सारी रात मुझे जोक सुना रहा था, अभी चिता पर यार विश्वास ही नहीं हो रहा। हेलो मेरे को बहुत डर लग रहा है, तो प्लीज कुछ कर यार। रॉनी मैं क्या कर सकता हूँ यार, प्लीज यार कुछ कर यार। मैं कुछ नहीं कर सकता यार, मुझे ही पता नहीं चलता वो कब मेरे शरीर के अंदर होती है और कब बाहर चली जाती है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ रॉनी वो यहीं कहीं पर होगी और हमारी बातें सुन रही होगी वो, और मेरी बीवी मुझे कुछ 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 कर मर जाती है, मैं क्या उसे बताऊँ? क्या बोल रहा है तू? सोच समझ के ना बोल यार, तू डरा ही रहा है। क्या हुआ अपना? अपना क्या हुआ? रॉनी पानी से बहुत डर लगता है। याद है मुझे कहाँ मारा था?
नंदिनी जी, नंदिनी जी, नंदिनी मैंने नहीं मारा था आपको, वो आलोक ने मारा था आपको। मैं तो उसके साथ ऐसे ही, मैं तो सीधा साधा सा आदमी। नंदिनी जी, गॉड प्रॉमिस, आज के बाद दुनिया की सारी लड़कियां मेरी बहन। रजनी जी, आलोक ना बहुत आरामी है, आप उसको मार दो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं उससे दोस्ती खत्म करता हूँ। चाहिए मैं आलोक से दोस्ती खत्म करता हूँ। मैं सॉरी 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 इधर रॉनी, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन मेरी पायल संभालोगे? मैं पायल संभालूंगा। कुछ देर के लिए बेहोश हो गया है। अम्मा, इन्हें क्या हो गया है? किसी की आत्मा ने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। अब क्या होगा? बच सकता है, लेकिन वो आत्मा आलोक को सजा देना चाहती है। सजा? हाँ, सजा। जो लड़की इसके शरीर में घुस गई है, वो उसे जानती थी। उन दोनों के बीच गहरे ताल्लुकात थे, वरना इस कदर कोई प्रेतात्मा किसी इंसानी शरीर को जकड़ नहीं सकती। कैसे ताल्लुकात? ना समझना बनो अपर्णा। दोष तुम्हारे पति का है, उसने उस लड़की के साथ कोई गुस्ताखी की है। अब फैसला तुमको करना है, उसे सजा दिलानी है कि उसे बचाना है। अम्मा, मुझे आलोक चाहिए। ये जानते हुए भी कि वो गुनहगार है? हाँ, आखिर पति है वो मेरा, आप प्लीज उन्हें बचा लीजिए। ठीक है, मगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसे पापी पति को कभी माफ नहीं करती। अब तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। आलोक, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आलोक, अम्मा ये ठीक हो जाएंगे, मैं वापस आऊंगी। आलोक, गुड मॉर्निंग। आलोक, चलो उठो, ऑफिस नहीं जाना क्या? उफ़ो। आलोक, ये क्या कर रहे हो तुम? या वेरी फनी, चलो। आ,
मतलब उस लड़की के पेट में बच्चा था, वो पेट से थी, और इस आदमी ने, अम्मा, अम्मा प्लीज उन्हें बचा लो, कोई तो रास्ता होगा अम्मा, नहीं बचा पाऊंगी मैं, नहीं बचा पाऊंगी। समझने की कोशिश करो अपर्णा, मैं उस लड़की की आत्मा से कम्युनिकेट कर पा रही थी क्योंकि वो लड़की इंसानों की भाषा समझ पा रही थी, मगर वो बच्चा जिसने अब तक माँ का चेहरा भी नहीं देखा है, उसे कौन सी भाषा में समझाऊं मैं? अपर्णा, उस लड़की की आत्मा चली गई है और उस बच्चे की रह गई है, मैं उसे नहीं निकाल पाऊंगी, नहीं निकाल पाऊंगी मैं। तो क्या ये इसी तरह? शायद। क्योंकि उसे उस लड़की की हार लगी है, उस बच्चे की हार लगी है। अपर्णा, मैं ये समझ नहीं पा रही हूं कि ऐसे गुनहगार आदमी की तरफदारी तुम क्यों कर रही हो? उसने एक नहीं, तीन तीन जिंदगियां बर्बाद की है, एक उस लड़की की, उस बच्चे की और तुम्हारी। अम्मा, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो रास्ता होगा। नहीं अपर्णा, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इस बच्चे की आत्मा को तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक वो ये शरीर नहीं छोड़ता। इस बच्चे की आत्मा की वजह से तुम्हारा ये पति हमेशा ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। क्या करने जा रही हूं, ये मैं क्या करने जा रही हूं? Thank you.
तुम्हारी माँ की माफी मांगना चाहती हूँ। तुम्हारी मुक्ति का सिर्फ यही एक रास्ता है। शुक्रिया बहन, पर मुझे दुख है, अब तुम विधवा हो जाओगी। सच्चाई जानने के बाद मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसका मुझे कोई पछतावा नहीं है।